हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका GIS की मैथ ऑनलाइन क्लास में। हम क्लास 10th मैथ इंग्लिश में हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं, जो अपनी 4.4 प्रश्नावली चल रही है, जिसके पहले और दूसरे सवाल हमने अपनी जो पिछली वीडियो थी उसमें सॉल्व कर लिए थे। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे, ऐसा उनमें नया कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो 4.4 के आज बचे कुछ सारे क्वेश्चन कर लेंगे हम। 3 ही क्वेश्चन बच रहे हैं, तो आज अपनी ये प्रश्नावली ख़त्म हो जाएगी। महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, एक बार फिर से पढ़ना जरूरी है, समझ में आना। ठीक है, क्योंकि ये आगे तक काम में आती है। किसी भी इक्वेशन के या किसी भी समीकरण को गुणनखंड करना, खासकर जो बीच वाले को दो भागों में बांट के करते हैं, और जो द्विघात सूत्र है, उन दोनों तरीके से आप लोगों को किसी भी समीकरण को हल करना 100% आना चाहिए। 10वीं के हिसाब से भी ज़रूरी है, और आगे अगर आप मैथ लेके पढ़ोगे उसके हिसाब से भी ज़रूरी प्रश्नावली। ठीक है, तो चलो करते हैं इसका तीसरा, चौथा, पांचवा, तीनों के तीनों सवाल कैसे हैं। हमें समीकरण नहीं दिया गया है, बस सवाल में स्थितियां दी गई हैं जिनको हमें हल करके समीकरण का रूप देना है और फिर उनको हल कर लेना है। ठीक है, तो देखो प्रश्न नंबर 3। देखो क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर जो 3 है वो कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। क्या एक आम की बगिया बनानी है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी होनी चाहिए और उनका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमें ये चेक करना है कि क्या ऐसी परिस्थिति, मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी भी बगिया, एक जो आम की बगिया है उसकी चौड़ाई से लंबाई दुगनी हो और उनका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। तो सबसे पहले तो समझो, ये एक आम की बगिया है, लंबाई और चौड़ाई में दिया गया है। अगर हम चौड़ाई एक्स मानेंगे तो लंबाई कितनी होगी, दो गुनी होगी, क्योंकि उसने कहा गया है, और उनका क्षेत्रफल होना चाहिए 800 मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में, तो बिल्कुल आसान है। माना एक ये वृत्ताकार और है ना, क्या एक ऐसी आम की बगिया जिसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो इसने इसमें कहा नहीं है, वैसे ये एक वृत्ताकार है ना, क्या है, एक वृत्ताकार आम की बगीची है, तो इसकी लंबाई क्या मानेंगे हम, 2x, चौड़ाई है x, क्योंकि लंबाई दो गुनी है चौड़ाई से। ठीक है, तो चौड़ाई माना, चौड़ाई बराबर x तो लंबाई बराबर 2x। माना बगिया की चौड़ाई बराबर एक्स, तो बगिया की लंबाई बराबर हो जाएगी 2x। लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, क्षेत्रफल की बात की है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर हमें कितना दिया गया है, 800 मीटर स्क्वायर दिया गया है। यही तो उसने हमसे पूछा है कि क्या ऐसा संभव है, तो देखते हैं संभव है क्या नहीं है। लंबाई गुना चौड़ाई करो, x गुना 2x बराबर आ गया 800। लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई ये रही चौड़ाई ये रही, इनका गुना करो, गुना करेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800। हमें तो x का मान निकालना है। देखो द्विघात समीकरण तो बन नहीं रहा, तो द्विघात समीकरण बनाने की जरूरत भी नहीं है। अब देखो मैं 2 का इसमें भाग दे देता हूँ, एक्स स्क्वायर बराबर बटे में 2, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 400। एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, तो x का मान क्या होगा, 400 का अंडर रूट लगा देंगे,
और प्लस और माइनस आ जाएंगे यहाँ पर। 400 का अंडर रूट कितना होता है? 20। x बराबर आ चुका है 20, और x क्या था? चौड़ाई थी। क्या थी? चौड़ाई। चौड़ाई आ चुकी है 20, तो चौड़ाई की दुगनी थी लंबाई, तो यानी कि 2 × 20 = 40। तो धनात्मक लेंगे, ऋणात्मक नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि दूरी की बात कर रहे हैं हम, लंबाई की बात कर रहे हैं, और लंबाई हमेशा कैसी होती है? लंबाई हमेशा धनात्मक ही होती है, ऋणात्मक नहीं होती। आगे बात समझ में? तो लंबाई बराबर 20 और चौड़ाई बराबर 40, तो दुगनी है लंबाई से, सॉरी उल्टा लिख दिया, चौड़ाई बराबर 20 और लंबाई बराबर 40। x चौड़ाई है ना, तो चौड़ाई बराबर 20 और लंबाई बराबर 40। गुना करके देखो, इनका क्षेत्रफल 800 मीटर ही आ रहा है। 4 × 8 और 2 × 0 = 800। तो हाँ, बिल्कुल ऐसा संभव है कि एक जो बगिया है उसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है और उनका क्षेत्रफल 800 है, तो लंबाई और चौड़ाई भी हमने निकाल ली। ठीक है, आसान सा था, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर से नंबर 4 देखो, 4 क्या कह रहा है? क्या निम्न स्थिति संभव है? देखो सब में ये ऐसे कह रहा है, क्या स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। कितना है? 20 वर्ष। दो मित्र हैं, दो दोस्त हैं, जिनकी आयु का योग यानी कि जोड़ 20 वर्ष है, और फिर उसने कहा है कि 4 साल पहले या पूर्व, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48। अब दो चीज़ आ गई इसमें, एक तो उनका योग है और एक उनका गुणनफल है। तो गुणनफल कब है? वो 40 वर्ष, 4 वर्ष पहले का है। तो मैं ऐसे सवाल पहले भी कर चुके हैं, दो तरीके हैं करने के। ठीक है, देखो क्या क्या है। सबसे पहले माना एक की आयु x, तो दूसरे की आयु क्या मानोगे? देखो दो तरीके हैं। उसने अब हमसे कहा गया है x प्लस y बराबर 20। अगर हम एक की आयु x मान लें और एक की आयु y मान लें, ठीक है, तो देखो y का जो मान होगा ना वो कितना होगा? 20 माइनस एक्स होगा। भाई यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 20 माइनस एक्स, या तो सीधा हम क्या लिख सकते हैं, माना पहले की आयु बराबर x है तो दूसरे की आयु क्या हो जाएगी? 20 माइनस एक्स, दोनों का जोड़ 20 है, पहले की x है तो 20 में से माइनस कर देंगे x, वो आ जाएगी। या फिर चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, माना पहले की आयु x है, दूसरे की आयु y है, तो x प्लस y बराबर 20, और y की वैल्यू हम वहाँ से निकाल लेंगे 20 माइनस x। काम में हमें 20 माइनस x ही लेना है, y से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि x और y दो अलग अलग चर हो जाते हैं, और हमें पता है द्विघात समीकरण में एक चर से ही हल करना है हमें। ठीक है, तो एक ही चर लेके चलते हैं। तो अगर आप x और y से भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन y का मान जरूर रखना पड़ेगा, और या फिर चाहो तो उसकी आयु ही क्या मान लो, 20 माइनस एक्स मान लो। ठीक है, तो मैं आयु क्या मान लूँ, 20 माइनस एक्स ही कर लेते हैं। ठीक है, माना पहले, नाम थोड़ी दिया गया इसमें, क्या कहा गया है, मित्र कहा गया है, पहले मित्र की आयु बराबर है x, तो दूसरे
मित्र की आयु बराबर क्या होगी? 20 माइनस एक्स। चाहो तो वाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं होगा वाई से, वाई से भी हो जाएगा। वाई मान लिया, फिर एक्स प्लस वाई बराबर 20, तो वाई का मान 20 माइनस एक्स। जाना पहुँच के कहाँ पे है? 20 माइनस एक्स पे ही है, क्योंकि एक चर से हल करते हैं, इसलिए मैं सीधा ही क्या मानता हूँ, 20 माइनस एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, आप अगर y मानो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर x प्लस वाई बराबर 20, y का मान 20 माइनस x निकाल के नहीं, और जो आप बाद में समीकरण आएगा वहाँ रख देंगे। ठीक है, ये तो हो गई वर्तमान में जो था। अब उसने कहा है 4 वर्ष पूर्व। ठीक है, चार वर्ष पूर्व, भाई चार, आज अगर आप 10 साल के हो, 15 साल के हो, 4 साल पहले कितने के होंगे? 4 माइनस कर देंगे 11 के। ठीक है, आज अगर आप 14 के हो तो 4 साल पहले 10 के, अगर आज आप x साल के हो तो 4 साल पहले x माइनस 4, ऐसे यहाँ कर देंगे। पहले मित्र की आयु बराबर x माइनस 4 और दूसरे मित्र की बीस माइनस x माइनस 4। ठीक है, 20 में से 4 माइनस कर दो तो क्या हो जाएंगे? 16 माइनस x। क्या आ गया? 16 माइनस एक्स। अब उसने क्या कहा है? प्रश्न अनुसार दोनों की आयु का गुणनफल बराबर है 48, तो एक्स माइनस 4 गुना 16 माइनस एक्स बराबर दिया गया है 48। ठीक है, अगर हम वाई मानते, क्या मानते? वाई। तो देखो, यहाँ अपने पास एक्स माइनस 4 और यहाँ आता वाई माइनस 4, फिर y का मान जो मैंने बताया था वहाँ से 20 माइनस एक्स यहाँ रखते और वो माइनस होता तो 16 माइनस एक्स ही बचता, कोई भी उसमें दिक्कत ऐसी बात नहीं है। अब देखो, हल करो, गुना करो, x का गुना 16 से करो, 16x, x का गुना माइनस से किया, माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 16 दून 32 16 38 16 64, और ये हो जाएगा प्लस का 4x बराबर 48। अब मैं इसे द्विघात समीकरण के रूप में सही से लिखता हूँ। देखो, x स्क्वायर को तो पहले लिखा, 16 और 4 20x, ये माइनस 64 है, इस 48 को मैं इधर ले लेता हूँ, यहाँ माइनस का चिन्ह है, सब में माइनस से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, पहले ही बता चुका हूँ x स्क्वायर का मान हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो क्या करना है? यहाँ माइनस से पूरे समीकरण में गुना कर देना है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 20x, ये हो जाएंगे प्लस के, इनको जोड़ो 8 और 4 12 और 10 और 1 11 112 बराबर 0। माइनस के थे पर जैसे ही माइनस से गुना किया तो प्लस के हो गए। अब देखो, ये क्या बन चुका है? एक द्विघातीय समीकरण अपने पास यहाँ पर आ चुका है, द्विघाती समीकरण आ गया। अब दो तरीके हैं यहाँ से हल करने के, पर हम जो कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं? सबसे पहले उसने कहा है कि क्या पॉसिबल है, मतलब ऐसा हो सकता है उनकी एज, तो एज वो होने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले चेक करना है कि मूल कैसे हैं, मूल अगर वास्तविक हैं तो संभव है, और वास्तविक नहीं है तो संभव नहीं है। ठीक है, क्या किया है? पहले की आयु एक्स मानी है, दूसरे की 20 माइनस एक्स मानी है, 4 साल पहले दोनों में से 4 माइनस कर दिया, उनका गुना करके 48 के बराबर दिया गया है, द्विघाती समीकरण बना दिया। अब बी स्क्वायर माइनस 4 एसी लगा के चेक करेंगे, ए का मान है 1
b का मान माइनस बी और c का मान है 112। चेक करेंगे मूल कैसे हैं कि क्या ऐसा संभव है भी है या नहीं है। मान रखो b का मान है माइनस बीस, स्क्वायर करेंगे तो 2 का 4 हो जाएगा और 2 जीरो यानी कि हो जाएगा 400। माइनस 4 गुना 112 गुना 1, 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। गुना करके देखो 400 माइनस 4 दूनी 8, 4 और 4, तो d का मान आया 48, जो कि छोटा है 0 से। माइनस 48 मान आया है, कौन सा आया है माइनस 48। और मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, अगर d यानी विव्यक्तिकर का मान 0 से छोटा आता है तो मूलों की प्रकृति काल्पनिक होती है, और काल्पनिक है तो इसका कोई भी आंसर नहीं है। तो क्या लिख देंगे, मूल काल्पनिक हैं, ठीक है। तो इसका क्या है आंसर, संभव नहीं है। तो इसने हमसे यही पूछा था क्या निम्न स्थिति संभव है, तो हम लिख देंगे निम्न स्थिति संभव नहीं है, निम्न स्थिति संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि मूल ही काल्पनिक आ गए, और जैसे ही मूल काल्पनिक आते हैं तो क्या हो जाता है, काल्पनिक है तो आंसर कुछ नहीं है। पहले भी ऐसा हो चुका है, पहली बार थोड़ी हुआ है। तो आसान सा है, कुछ भी नहीं करना, बस आयु समझ के माननी है ढंग से। एक एक्स है तो दूसरी क्या होगी 20 माइनस एक्स। अगर वाई मानोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी वाई का मान 20 माइनस एक्स आएगा, फिर वो रख देना, एक ही बात है, ठीक है। मिटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर था चौथा। इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल, इस सवाल के बाद अपनी 4.4 के साथ साथ चार प्रश्नावली जो है द्विघातीय समीकरण वो भी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। लास्ट सवाल है, ऐसा ही सवाल है, आसान सा है, कुछ भी नहीं है। देखो क्या कह रहा है, क्या परिमाण 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक पार्क है, परिमाण बराबर 80 है, 80 मीटर, क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर है, क्या है 400 मीटर स्क्वायर, यही है 400 मीटर स्क्वायर। तो उसने कहा है कि क्या ऐसा एक पार्क संभव है जिसका परिमाण तो 80 है और क्षेत्रफल कितना हो 400 मीटर स्क्वायर हो, और अगर संभव है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, लंबाई और चौड़ाई। देखो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो अभी तो अपने पास लंबाई चौड़ाई में ना कोई संबंध है और ना कुछ लंबाई चौड़ाई के बारे में दिया गया है। तो एक को मानो x, एक को मानो y, पिछले क्वेश्चन में तो हमें उनमें दोनों के बीच में संबंध था कि उन दोनों का योग 20 है, जब योग 20 ही दे रखा जब तो x और y मानने की क्या ज़रूरत है, सीधी y की मान निकाल के ही मान लेते हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम एक को x मानेंगे और एक को y। माना पार्क की चौड़ाई बराबर x और लंबाई बराबर y, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं परिमाण की, किसकी बात करते हैं, परिमाण।
परिमाण बराबर क्या होता है? दो गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाण क्या होता है किसी भी आयताकार का? दो गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। भाई लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के दो से गुना कर देते हैं। तो देखो दो लंबाई है x, मतलब लंबाई है y और चौड़ाई है x, बराबर हमें दिया गया है कितना? 80 मीटर। ठीक है, ये जो मैं साइड में लिखता हूँ ना, इसे आप ऊपर ही ऊपर सबसे पहले लिख लिया करो ना, ये जो हमें दिया गया है वो मैं साइड में लिख लेता हूँ बगल में, ताकि अपन काम में लेते हैं इसको। 2x + y। अब देखो दो चर हैं यहाँ x और y, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, द्विघाती समीकरण में दो चर कभी भी नहीं रखते हम, एक ही चर से काम चलाना है। तो अब तो दो हैं, कैसे काम करेंगे? कैसे ही नहीं करेंगे, y का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे। कैसे? देखो दो का भाग मैं यहाँ देता हूँ, 40 में दो से भाग दिया तो 80, इसमें दो का भाग दिया तो 40, x + y = 40। तो y का मान कितना आ जाएगा? 40 - x। देखो ये आ गया y का मान। अब हम ये y का मान काम में लेंगे, ना कि y को काम में लेंगे, क्योंकि x और y दो अलग अलग चर हैं, तो हम y का मान ले लेंगे 40 - x। ठीक है, अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। देखो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई अपने पास है x * y = 400। y का मान यहां से रख दो, x * 40 - x = 400। गुना किया, 40x - x² = 400। इसे द्विघाती समीकरण में बनाओ। देखो x को आगे ले लेता हूं इसे, या इनको इधर भेज दो। देखो ये माइनस का है, मुझे प्लस का करना है, तो माइनस से गुना किया तो ये तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा -40x, और ये रहेगा प्लस का ही 400 = 0। द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया? द्विघातीय समीकरण। और यही अपना मकसद है हर सवाल में, क्या बनाना? द्विघातीय समीकरण। अब उसने पूछा है कि क्या ऐसा संभव है? संभव है, तो संभव तो हम कैसे चेक करेंगे? b² - 4ac से। भाई मूल तो उसी से पता चलेगा ना। देखो a का मान है 1, b का मान है -40 और c का मान है 400। सूत्र में लगाओ, b का स्क्वायर करेंगे यहाँ 1600 - 4 × 400 और गुना 1 करेंगे तो 1 ही रहेगा। 1600 - 1600 d = 0। मूल समान व वास्तविक, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। देखो यहाँ इतना आने के बाद टाइम नहीं लगना चाहिए, इतना आते ही समझ लेना कि सवाल हो जाना चाहिए। सीधा b² - 4ac लगाया, सूत्र आपको पता है, गुना करना आपको आता ही है, तीनों स्थितियाँ आपको बता रखी हैं। जीरो आता है तो मूल समान वास्तविक, जीरो से बड़ा आता है तो अलग अलग और वास्तविक, और जीरो से छोटा आता है तो काल्पनिक। मूल वास्तविक व समान, यानी कि मूल वास्तविक हैं तो लंब ऐसा संभव है, संभव है तो लंबाई और चौड़ाई निकालो। तो लंबाई और चौड़ाई किससे निकालेंगे? वही श्रीधराचार्य सूत्र से, -b + √b² - 4ac / 2a। सूत्र याद है, मान ए बी सी के रख के लिखे ही रखे हैं, यहां में रख दो। देखो b का मान -40 है, यहां पहले से ही माइनस है तो प्लस के हो जाएगा 40। इसका मान 0 आ गया, हमने निकाल लिया 0। 2a का मान 1 है तो बटे में आया 2, तो 40/2, यानी कि x का मान आया है 20। ठीक है, 20+0 और 20-0 करो तो दोनों में 20-20 आया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। x = 20 है तो y = क्या होगा? यहाँ से निकाल लो, y = 40 - 20 = 20।
तो लंबाई भी 20 है और चौड़ाई भी 20 है। लंबाई बराबर 20 और चौड़ाई भी आ गई 20। तो देखो लंबाई और चौड़ाई 20 है, लेकिन जो शर्त दी थी वो सही है या नहीं है मिला के देखो। उसने कहा था परिमाण होना चाहिए 80, तो परिमाण 80। देखो लंबाई और चौड़ाई 20 20 रखो, 20 और 20 40, 40 गुना 2 80 सही है। क्षेत्रफल था कितना 400, तो 20 गुना 20 करेंगे तो 400 आएगा। दोनों स्थितियां बिल्कुल सही हैं, कुछ भी नहीं करना। करना क्या है, लंबाई और चौड़ाई को x और y मान लेना, परिमाण होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, वहां मान रखना, 2 से भाग दे के x प्लस y बराबर आएगा 40, तो y का मान निकाल लेना 40 माइनस एक्स, फिर लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल बराबर 400 दिया गया है। यहाँ y का मान रखेंगे, आपस में गुना करेंगे, माइनस से गुना किया, द्विघात समीकरण आ गया। द्विघात समीकरण आने के बाद ये देखना है कि संभव है नहीं। वो कैसे देखते हैं हम, विविक्तिकर से, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से लगाया, मूल समान और वास्तविक आए। फिर अपन ने अपना जो है द्विघात्री सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र, उसमें मान रखे और हल किया, तो x का मान आ गया b 20। अब x के मान को यहाँ रख दो, 40 माइनस 20 तो 20, y का मान भी 20। तो x और y दो यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों आ चुकी हैं अपने पास, कितनी 20। प्रश्नावली खत्म, महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, ठीक है। खुद से नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, सिर्फ वीडियो देख लेना ही पढ़ाई नहीं है। वीडियो देखने के बाद सारे क्वेश्चन आप अपने आप से नहीं कर लेते हो तब तक आपको पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। तो खुद से जितना करोगे उतना अच्छा समझ में आएगा, उतना अच्छा सीखोगे, कभी भूलोगे भी नहीं। अभी तो आप वीडियो देख के क्या होगा कि ठीक है समझ में आ गया, हो सकता है आप तुरंत कर भी दो, ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद फिर भूल जाते हैं। इसलिए हमेशा रिवीजन करते रहना है, और ख़ासकर ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है आगे पढ़ाई के मतलब से, ठीक है। आज के लिए केवल इतना ही है, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, जो बच्चे अभी जुड़े हैं वो स्टार्टिंग से देखना, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो आपको स्टार्टिंग से सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी, तो फर्स्ट वीडियो से देखना स्टार्ट करना ना, बीच से देखोगे तो समझ में नहीं आएगा।